देश के सोलर विलेज के नाम से पहचान स्थापित कर चुके मध्य प्रदेश के बैतूल के ग्राम बाचा में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए ग्रामीणों ने जनता कर्फ्यू लगाकर प्रवेश मार्ग पर नाकाबंदी कर दी। ग्रामीणों ने एकजुटता से निर्णय लेकर बाहरी लोगों के प्रवेश पर जहां पाबंदी लगा दी है। ग्रामीणों के इस प्रयास को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने सराहा है और नाकाबंदी वाली फोटो ट्वीट की है। बैतूल का बाचा गाँव जागरूकता में अव्वल है, यही कारण है कि इसे आदर्श गाँव की उपाधि मिली है। इस गाँव के ग्रामीणों ने कोरोना से बचने के लिए खुद ही जनता कर्फ्यू लगा दिया है और बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। वहीं गांव के लोगों को भी बाहर अति आवश्यक कार्य से ही बाहर निकलने दिया जा रहा है। ग्रामीणों को जरूरत की सामग्री उपलब्ध करवाने के लिए युवाओं ने एक टीम बना दी गई है जो हर घर में पहुंचकर संपर्क कर रही है। बाजार से जरूरत का सामान लाने के लिए 2 युवाओं को जिम्मेदारी दी गई है और वे ही सब कुछ मुहैया करा रहे हैं। ग्रामीणों के इस प्रयास को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने भी सराहा और गांव के प्रवेश मार्ग पर की गई नाकाबंदी की फोटो ट्वीट की है। घोड़ा डोंगरी विकास खंड के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत खादरा के बाचा गांव के 74 घरों में निवास करने वाले लोगों ने जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए गांव को सुरक्षित रखने के लिए कड़ा निर्णय लिया है। ग्रामीणों ने 21 अप्रैल को आम सहमति बनाई और उसके बाद प्रवेश मार्ग पर नाकाबंदी कर दी गई। एक बैनर भी लगा दिया गया जिस पर लिखा गया है कि गांव में बाहरी लोगों का प्रवेश बंद है। निगरानी करने के लिए गांव के ही युवाओं के द्वारा दिन और रात के वक्त की जिम्मेदारी भी ली गई है। ग्राम के देवसु कवड़े ने बताया कि इस पहल को ग्राम पंचायत के द्वारा भी बेहद सराहा गया है। गांव में अब तक कोरोना की दस्तक नहीं हुई है और आने वाले समय में भी कोई इस बीमारी की चपेट में न आ सके, इसके लिए बाहरी लोगों का प्रवेश पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। ग्रामीण अनिल उइके ने बताया कि युवाओं की एक टीम बनाई गई है। इस टीम के द्वारा ग्रामीणों को जरूरत का सामान बाजार से लाकर प्रदान किया जा रहा है ताकि गांव के 2 लोग ही बाहर जाएं, सभी को न जाना पड़े। प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा की गई जनता कर्फ्यू की अपील पर ग्रामीणों ने निर्णय लिया है। हर गांव और नगर को यह निर्णय लेकर कोरोना का संक्रमण रोकने का प्रयास करना होगा। प्रशासन भी इन ग्रामीणों की सराहना कर रहा है। भारतीय न्यूज के लिए बैतूल से वाजिद खान की रिपोर्ट। सुकौड़े आदर्श ग्राम बाजा। देश में कोरोना महामारी बहुत ज़्यादा फैल चुकी है, इसीलिए हम ग्रामीणों ने निर्णय लिया कि हमारे गाँव को भी इस महामारी से बचाना है। इसीलिए हमने जनता कर्फ्यू के माध्यम से बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश बंद कर दिया है। इमरजेंसी वालों को ही मास्क लगाकर आने जाने दिया जा रहा है। इसीलिए अभी हमारा गांव इस महामारी से सुरक्षित है। आदर्श ग्राम बाचा के सभी ग्रामीणजनों ने यह निर्णय लिया कि अभी कोरोना महामारी बहुत ज़्यादा फैल रही है और हमारा गांव वैसे भी हाईवे के पास से लगा हुआ है और यहां से आगे 2-3 गांव और जाना पड़ता है, यहीं से रास्ता है, तो लोगों को आना जाना रहता है, तो इसमें संक्रमण फैलने का ज़्यादा खतरा है। तो हम ग्रामीणों ने यह निर्णय लिया कि जनता कर्फ्यू लगाया जाए और जो बाहरी व्यक्ति का प्रवेश है वो हमने रोक दिया है। बहुत ही इमरजेंसी है तो ही यहाँ मास्क लगाकर ही प्रवेश दे रहे हैं, अन्यथा बाकी लोगों को इस गांव के अंदर अभी प्रवेश बंद कर दिया है ताकि ये जो महामारी फैल रही है इसका संक्रमण हमारे गांव में और ना फैले। देखिए, हमने जो ग्राम स्तरीय समिति बनाई है जिसमें सभी गांव के वरिष्ठ जन और स्थानीय जनप्रतिनिधि और प्रशासकीय समिति जो अपना आंगनवाड़ी आशा सचिव GRS हल्का पटवारी कोटवार सभी लोगों को मिलकर हमने यही निर्देश दिए हैं कि सभी अपने गांव का जो प्रवेश द्वार है वहां पर जो है एक नाका बनाएं जिससे वहां पर आने वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी हमें मिल सके कि बाहर से कौन व्यक्ति आ रहा है, उसको हम होम क्वारंटाइन करा सके। अगर कोई गांव में कोई किसी चोरी छुपे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं या कहीं से बाहर से बारात आती है या इस तरीके की कोई कार्यक्रम की सूचना मिलती है वो भी हमें तत्काल मिल जाती है। साथ ही ग्रामवासियों को भी एक मैसेज जाता है कि अब स्थिति गंभीर है, तो इस तरह की पहल जो है हमारे पंचायतों में की जा रही है जो कि बहुत ही अच्छी पहल है जिससे हम COVID-19 को रोकने में काफ़ी सफल होंगे। मैम, बाचा गांव के युवाओं की पहल कैसी है?
बाचा गांव में बहुत ही अच्छी प्रशंसनीय पहल की गई है। सभी पंचायतों को निर्देश है, लेकिन जिस तरह से बाचा ने इसको इम्प्लीमेंट किया है, इसको इसका क्रियान्वयन किया है, इससे सभी को एक उदाहरण के रूप में बाचा सामने आया है कि इससे हम जो है बहुत जल्दी जो है कोविड महामारी को रोकने का प्रयास कर सकेंगे। सब्सक्राइब नाउ टू मोस्ट एक्साइटिंग चैनल एवर।